हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे SC वर्मा का। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1 में क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल टेबल इज पुल्ड हॉरिजेंटली बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स F। इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये हम क्या करेंगे, रिमार्क करेंगे। तो नंबर 1, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये अपने काम का है। 2 kg मास दिया हुआ है ब्लॉक का, ये काम का है। प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस टेबल, ये फ्रिक्शनलेस टेबल एक काम का है। इसका मतलब है कि ब्लॉक पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। हॉरिजेंटल टेबल का ये मतलब हुआ कि उस पर नॉर्मल रिएक्शन काम नहीं करेगा। ये हॉरिजेंटल टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के मोशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इस पुल्ड हॉरिजेंटली बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, एक कॉन्स्टेंट फोर्स F दिया हुआ है जो हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है। अगला, इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर, ये 10 मीटर अपने काम का है। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, ये जो 2 सेकेंड है ये अपने काम का है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F को हमें निकालना है। तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चंस, अगर आपके पास SC वर्मा का बुक नहीं है तो आप इसे पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और हम इस क्वेश्चंस में पूरे कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो हम अब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। देखिए कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। सबसे तो पहले ये ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक है 2 kg, और ये रखा हुआ है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस टेबल। तो हमने एक टेबल बना लिया, एक टेबल है। अब ये बोल रहा है कि 2 सेकेंड में 10 मीटर बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर गया। तो यहाँ से 10 मीटर ये मूव कर गया, और इस पर एक फोर्स लग रहा है F, जिसे हमें निकालना है कि F कितना होगा। अब अगर फ्रिक्शन होता तो मोशन के जस्ट अपोजिट लगता, अगर फ्रिक्शन होता तो mg फोर्स लगेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होगा डाउनवर्ड बाय किसके द्वारा, डाउनवर्ड होगा बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा किस पे, ब्लॉक पे, और किस दिशा में, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक। इस पर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं N, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगेगा, टेबल लगेगा ब्लॉक पे, तो ये बाय टेबल ऑन द ब्लॉक, ये होगा
वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड हुआ। और चूंकि टेबल फ्रिक्शन लेस है तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, ए बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि म्यू बराबर जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। अगर फ्रिक्शन होता तो एफ बराबर हम लिखते म्यू एन, और यहाँ एन बराबर होगा एम जी। एन बराबर एम जी क्यों होगा? ये ब्लॉक न तो ऊपर जा रहा है और न ही नीचे आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और बॉडी न तो ऊपर जा रहा है न बॉडी नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन और एम जी दोनों बराबर है, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा। और हमारा जो मोशन है वो हॉरिजेंटली हो रहा है और ये दोनों फोर्स वर्टिकली है, तो इसलिए हमारे मोशन में इनका अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि किसी भी वर्टिकल का कंपोनेंट हॉरिजेंटल में मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या कोई भी कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर होते हैं वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ टाइम बराबर कितने हैं? 2 सेकेंड। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ। एफ कब निकलेगा? मास दिया हुआ है एम इक्वल टू 2 kg। अगर हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू पता चल जाए तो हम फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब एफ इक्वल टू व्हाट? इट मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में ब्लॉक कहाँ रखा हुआ था? टेबल पे। ब्लॉक कब मूव करना चालू किया? जब फोर्स लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली हमारा ब्लॉक रेस्ट में था, इसका मतलब u इक्वल टू जीरो। अब हम किस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो इस फॉर्मूला से हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। इसे आप नोट कीजिए। गॉट इट। तो अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू हमारा कितना है? 10। u कितना होगा? u इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में पार्टिकल हमारा रेस्ट था तो 0, और t हमारा 2 प्लस हाफ, ये हमें पता नहीं, और t हमें पता है 2 और मल्टीप्लाई 2, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 0। यानी कि 10 इक्वल टू 0 प्लस 2 है, और a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स है हॉरिजेंटली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि फोर्स हॉरिजेंटली एक्ट कर रहा है ब्लॉक पे, तो एक्सीलरेशन भी हॉरिजेंटली ही एक्ट होगा। यहाँ एक्सीलरेशन और फोर्स पैरेलल होगा। तो अब एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए, और एम बराबर कितना है? 2 है, और ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है उसका लेकिन ये केजी में है तो आ जाएगा इक्वल टू 10, ये हो जाएगा न्यूटन।
10 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आपका आंसर हो गया, आंसर 10 न्यूटन। थैंक यू।